हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है राजमा बनाने की। आज हम राजमा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं राजमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम राजमा लिए हैं। इनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। अब इनका पानी निकाल के मैंने दो तीन बार और इनको अच्छे साफ पानी से धो लिया है। दो प्याज, इसको मैंने मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। दो टमाटर, इसकी भी मैंने प्यूरी बना ली है। दो हरी मिर्च बारीक कट की हुई, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा, दो छोटे चम्मच नमक, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप किचन में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। दो पीस यहाँ पर मैंने तेज पत्ता लिया है बे लीफ, और एक ली है मैंने बड़ी वाली इलायची। एक चम्मच नींबू का रस, आप नींबू का रस की जगह आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो नॉर्मली हम किचन में यूज करते हैं, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे राजमा का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया साफ करके इसको मैंने धो के कट कर लिया है। एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चुटकी हम हींग का यूज़ करेंगे। प्रेशर कुकर लिया है, इसमें जो हमने भीगे हुए राजमा लिए हैं इनको डाल देंगे। हम इनको पहले ही साफ पानी से दो तीन बार धो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, साथ में इसमें ऐड कर देंगे दो गिलास पानी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमने गैस पर रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसका ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पर इसमें चार से पांच सीटी आने देते हैं। चार सीटी हमने हाई फ्लेम पर लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने ठंडा कर लिया था, इसका प्रेशर निकल चुका है। अब खोल के हम चेक कर लेते हैं राजमा हमारे अच्छे से बॉईल हुए कि नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि राजमा अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अगर आपके राजमा अच्छे से ना बॉईल हुए हों तो आप इसमें एक दो सीटी और लगा सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसको गैस पर रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने सरसों का तेल लिया है, इसको गरम होने देते हैं। हमने जो बड़ी इलायची ली थी इसको हम हल्का सा इस तरह से इसको फोड़ लेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। इसमें डालेंगे हम एक चुटकी हींग, जीरा। अब हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता और बड़ी वाली इलायची। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है और मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, इसको भी भून लेते हैं। ये देखिए, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अच्छे से भुन गई है और ये ऑयल भी छोड़ने लगी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर रखी है और प्यूरी को भी हम अच्छे से पका लेते हैं। हमने टमाटर को भी अच्छे से कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ने लगा है मसाला। इट मींस कि हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए राजमा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि राजमा अभी थोड़े से गाढ़े हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से सारे मसाले राजमा में मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा 2-3 मिनट और पका लेते हैं। हमने राजमा को 2-3 मिनट और मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है। राजमा हमारे बिल्कुल बनके तैयार हैं। हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे अब नींबू का रस, गरम मसाला। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ और इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राजमा बनके तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इसको आप चावल के साथ, पराठा के साथ, किसी के भी साथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी रेसिपी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।